आज हमारे सफर की शुरुआत होती है हुमायूं के मकबरे से। वैसे तो हमने इस सफर की शुरुआत अपने पुराने वीडियोस में ही कर दी थी, लेकिन हुमायूं के मकबरे से पहुंचने से पहले हमें सबसे पहले इस ईसा खां के मकबरे को होकर गुजरना पड़ा था, जिसके वीडियोस हमने आपको पहले ही डाल रखे हैं। लेकिन अब हमारे कदम हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए रुक ही नहीं रहे थे, तो बस हम चल पड़ते हैं हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए। वैसे तो हमने अपनी टिकट ऑनलाइन ही बुक कर दी थी, जिसका कॉस्ट हमें करीब 40 रुपये पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे हम इस मकबरे के रास्ते में बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे हमें यहाँ पे कई सारी इमारत दिखाई दे रही थी। इस मकबरे तक पहुँचने के लिए ये तो पक्का हो गया था कि हमें कई सारी इमारतों को देखते हुए चलना है। तो सबसे पहले था यहाँ पे बू हलीमा गेट, इसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे था अरब सराय गेट। इन सभी गेटों के बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, लेकिन वो हम आपको दूसरे वीडियोस में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे अरब सराय गेट का बताना बहुत ज़रूरी है। अरब सराय गेट एक ऐसा गेट था जहाँ पे जब हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था, तो उस समय जितने भी कारीगर आए थे वो इसी के अंदर रहा करते थे। हुमायूं को मकबरे को बनने में बहुत समय लगा था, जिसकी वजह से वो सभी कारीगर इसी जगह पर विश्राम किया करते थे। यमुना नदी के तट पर स्थित ये हुमायूं का मकबरा सबसे प्रभावशाली मकबरा माना जाता है, जो मुगल काल का एक शानदार वास्तुशिल्प है। दूर से देखने में ही लगभग हमें ये तो अंदाजा हो गया था कि ये मकबरा मुगल और पर्शियन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना होगा। तो फिर क्या था, हमारी आंखें अब बस उस मकबरे को देखने के लिए तरस रही थी जिसके बारे में हमने इतिहास में बहुत कुछ पढ़ा था। बस कुछ ही पलों में हमारे सामने मुगलिया सल्तनत का वो एक बेहतरीन नमूना था, जिसको देखने के लिए शायद मैंने कई सारे पन्नों को पलटा था। मकबरे का दीदार होने के बाद मन में कई सारे सवाल उजागर हुए, लेकिन उन सभी सवालों को मन में समेटे हुए हमारे कदम मकबरे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। ये उन्हीं मकबरों में से एक है जो प्यार का प्रतीक है। हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला समृद्ध और बहुत भव्य है। शायद इसी की सुंदरता की वजह से पूरी तरह से यह पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। शायद आपको भी यह नज़ारा बेहद खूबसूरत लग रहा होगा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये भारत में सबसे पहला बागों वाला मकबरा है जो चारों तरफ से बागों से घिरा हुआ है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हुमायूं के लिए ये बेहद खूबसूरत मकबरा आखिर बनवाया किसने होगा। तो सवाल का जवाब ये है कि इस मकबरे को हुमायूं की पत्नी हामिदा बानो बेगम ने बनवाया था। मुगलिया सल्तनत के अंदर आपने ताजमहल की कहानी तो बहुत सुनी होगी, जहां शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए मकबरे को बनवाया था। लेकिन ये मकबरा उस शाहजहां के बनाने से बहुत पहले ही बना हुआ है, जहां एक पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया। ये मकबरा इतने भव्य रूप से बनवाया गया था कि इसे बनवाने में हामिदा बेगम को करीब 8 साल लगे थे, और इसे बनवाने में उस समय के करीब 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया था। इस मकबरे को पर्शियन आर्किटेक्चर मिर्जा घ्यास द्वारा डिज़ाइन किया गया था, और इसे सेम उसी ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर में डिज़ाइन किया गया था, जहां से ये हर दिशा में बिल्कुल सेम दिखाई देता है। जैसे ही हम इस मकबरे के बीचों बीच पहुँचते हैं, तो यहाँ हमने झरोखे के माध्यम से हुमायूं की कब्र देखी, जो यहाँ पे इस पूरे के पूरे मकबरे के बीचों बीच रखी गई थी। यहाँ पर हुमायूं के मकबरे के अलावा और भी कई सारे लोगों की कब्रें थीं, इसीलिए शायद इस हुमायूं के मकबरे को मुगलों का छात्रवास भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे परिसर के अंदर आपको करीब 100 से ज़्यादा मकबरे दिख जाएंगे। हमने यहाँ की हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से पढ़ने की कोशिश की, और हमें बिल्कुल वही सेम पैटर्न हर जगह देखने को मिल रहा था जो हमने बाकी के मुगल आर्किटेक्चरल बिल्डिंग में देखी थी। हमने इस मकबरे के ऊपरी सतह को एक बार एक राउंड लगाने की कोशिश की, ताकि हमें कहीं से भी कुछ डिफरेंट पैटर्न देखने को मिल जाए। लेकिन जैसा मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था
कि ये ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर का था, यानी कि ये हर डायरेक्शन से बिल्कुल सेम डिज़ाइन हमें हर तरफ से देखने को मिल रहा था। अब वक्त आ गया था हुमायूं के मकबरे का सही में दीदार करने का। अभी तक हमने उनका मकबरा सिर्फ झरोखे से देखा था, लेकिन अब हम उस मकबरे को सही में देखने वाले थे। तो अब हम पहुंच जाते हैं इस पूरे के पूरे मकबरे के सबसे सेंट्रल स्पेस की तरफ, जहां पर हुमायूं का मकबरा रखा गया था। जैसा मैंने आपको बताया था, यहां पे और भी कई सारे लोगों की कब्रें रखी गई थी, लेकिन यहां पे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था हुमायूं का मकबरा, जिसे देखने के लिए हम इन सभी कब्रों को क्रॉस करते हुए दूसरी ओर से निकलने वाले थे। यहाँ से निकलते निकलते अब हम पहुँच जाते हैं यहाँ की सेंट्रल मेन कमरे की तरफ, जहाँ पर हुमायूं का मकबरा था। हालांकि ये कमरा बाकी के यहाँ बने हुए और भी कमरों से काफ़ी अलग था। इस कमरे में बनाए गए गुंबद और यहाँ पर टंगी हुई लैंप कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा दे रही थी कि ये मकबरा हुमायूं का है। हालांकि इस मकबरे पर ऐसा कोई भी नाम मेंशन नहीं था जिससे पता चल सके कि आखिर ये मकबरा किसका है। लेकिन जिस शाही अंदाज में इस मकबरे को इस जगह पर रखा गया था, इससे यही पता चल रहा था कि ये मकबरा हुमायूं का है। आगे बढ़कर हमने यहाँ पर दूसरे और भी कई कमरों को तराशा और यहाँ पर हमें और भी कई सारे कमरे देखने को मिले जो वही मुगल खानदान के लोगों के थे। अब हमारा और आपका सफर खत्म होता है बस यहीं तक। अब हम मिलेंगे अपने नए एपिसोड में फिर से एक नई कहानी और एक नए इमारत के साथ। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।